लड़कियों, मैं इस स्कूल ट्रिप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। इन्होंने ऐसा प्लान भी कैसे बनाया? तुम्हारा मतलब क्या है? टीचर ने कहा है। हाँ हाँ, जाइना और वो क्लास साथ में जाएंगे। लड़कियों, क्या तुम सोच रही हो हम इतने बड़े हो गए हैं और हमें साथ में चलना होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि दो क्लास को एक साथ ट्रिप में ले जाना जरूरी नहीं था। लेकिन जीमा खुशकिस्मत है, हम ट्रिप पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसने अच्छा सा बहाना बनाया और टीचर ने उसे घर पे ही रहने के लिए बोल दिया था। वो बहुत चालाक है। लड़कियों, दरवाजा खोलो जल्दी। लेकिन वहाँ कौन है अभी? नास्त्या, क्या तुम स्कूल नहीं गई स्कूल ट्रिप पे? डायना, हाय, मैं अपने स्कूल जाने के लिए रास्ते में थी और जब मैंने बस की खिड़की से बाहर देखा तो पता है क्या देखा? डीमा एक लड़की के साथ था और उस लड़की ने अपना बिजनेस कार्ड उसे दिया। और तुम्हें पता है डीमा ट्रिप पर क्यों नहीं आया था? वो उस लड़की के साथ डेट पर गया था। नास्त्या, क्या तुम होश में हो? तुमने गलत तो नहीं समझ लिया कुछ भी? डायना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डीमा को नहीं पहचानती हूँ? वो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहा था उस लड़की के साथ और उसका कार्ड खुद से चिपका कर रखा था। ठीक है नास्त्या, अंदर आ जाओ। लड़कियों, कुछ हुआ है? नास्त्या, बताओ इनको क्या हुआ है। हाँ बताओ। नहीं डायना, तुम ही बताओ। नास्त्या ने मेरी डीमा को एक लड़की के साथ देखा है जब वो बस में बैठी हुई थी। और हाँ, डीमा उस लड़की के साथ बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा था जो कि भयंकर है। वो लोग जरूर डेट पर जाएंगे। गिगी, क्या तुमने सुना? अब मुझे समझ आया वो ट्रिप पे क्यों जाना चाहता था। उसने डेट के लिए ट्रिप कैंसिल कर दी। हाँ, मैं भी बहुत हैरान हूँ ये सब सुनकर। हाँ तो लड़कियों, ट्रिप कैंसिल करते हैं। अब हम डीमा को ढूंढेंगे। मैं उसको खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ वो किसके साथ बाहर गया हुआ है। तो बस हो गया, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। ठीक है ना? तुम्हें पता है लड़कियों, डायना की किस्मत डीमा को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है डायना को लेकर। लड़कियों, मुझे मस्करा और लिपस्टिक दो। ये लो नास्त्या, मस्करा। मेकअप करने का। हाँ, और ये लिपस्टिक। लड़कियों जल्दी करके गुलाबी कार में चलते हैं। भी अच्छी नहीं है डीमा को लेकर। उसने कितनी बार तुम्हें रुलाया है लेकिन फिर भी तुम उसे माफ कर देती हो। लड़कियों, वो डीमा है। बस हो गया, मैं हैरान हो रही हूँ अब। पता नहीं क्या। चलो कार में चलते हैं और बैठते हैं। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? अपना हाथ एक दूसरे को दो। ये एक ट्रिप है। बाकी के लोग कहाँ हैं? मैंने सबको कहा था कि टाइम पर आ जाएं। कहाँ हो तुम लोग? मैंने कहा था कि टाइम पर आने के लिए। क्या तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम्हें एफ दे दूं? अर्थम, हम सबसे ज्यादा शानदार हैं, हम सबसे पहले यहाँ पहुँच गए। हाँ, आप मोर्शिया को तो एफ ही दे दो। मैंने कहा तुम लोग जल्दी आओ यहाँ पर। किस लिए तुम्हें ये ट्रिप चाहिए? मोर्शिया, तुम्हें क्या हो गया? वहाँ पर क्रिसमस ट्री होंगे और बस झूले होंगे। ओ पात्रिक, तुम्हें क्या हो गया है? ट्रिप 8 बजे शुरू होगा और मैं ज्यादा सो गया। हम थोड़ा ज्यादा सो गए थे। ठीक है, चलो चलते हैं क्योंकि टीचर मुझे बुला रही है और चिल्ला रही है फोन पे, वो मुझे फेल कर देंगी। ठीक है चलो। ये रहे ये लोग, कहाँ थे तुम लोग? दो लोग एक साथ खड़े हो जाओ अभी, वरना तुम लोगों को बुरे मार्क्स दे दूंगी। मैं किसके साथ खड़ा हो जाऊँ? पेयर में खड़े हो जाओ अभी, एक लड़का और एक लड़की। समझ नहीं आ रहा? मैं नहीं मानती ऐसा। आराम से रहो। मरुषा, क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ोगी? जल्दी करो नहीं तो वो चली जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ नियम बताऊंगी। अगर मैं ये दिखाऊंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शुरू। ठीक है, इतने भी बुरे नहीं हो तुम लोग। इसका क्या मतलब होता है ये बताओ? इसका मतलब है रुको। तो जैसा कि मैं दिखाऊंगी शुरू तो सब शुरू हो जाओगे, और जैसे ही मैं दिखाऊंगी रुको तो सब अचानक रुक जाओगे। समझ गए तुम लोग? हाँ समझ गया। और अब शुरू। डीमा को कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ, तुम लोग देख लेना उसने गलत किया है। सही कहा डायना, उसे गुड बाई कह देना, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं डायना, डीमा से कहना हम अब डेट नहीं करने वाले हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे सहमत हूँ लड़कियों, मैं उसे कह दूंगी कि मैं उसे डेट नहीं करने वाली हूँ। ये किस तरह का दिन है? अभी कोई भी कार नहीं आ रही है, क्या सब लोग जश्न मना रहे हैं? चलो एक कार तो आ रही है। रुक जाओ, पुलिस तुम्हारी कार रोक रही है पेपर चेक करने के लिए। ओ जूली, हमें रोक दिया गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? डायना, तुम्हारे पास गाड़ी के पेपर्स है ना? ओ लड़कियों, मैं उन्हें भूल गई, मैं घर पे ही छोड़ दिया वो। डायना, सब कुछ हमें रोक रहा है, हम डीमा को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे अब। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग कहाँ जा रही हैं? प्यारे पुलिसमैन, कृपया हमें लेट मत करवाइए, हम इसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, प्लीज जाने दीजिए। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है। मैं सच बताऊं, जब वो ट्रिप पे गया था तो वो किसी लड़की के साथ बस में बैठा हुआ था, ये मैंने देखा। प्यारे पुलिसमैन, उसका बीएफ है एक, और वो बहुत बुरा है। बेचारी लड़कियाँ, तुम्हारा बीएफ कितना बेकार है, तुम आराम से जाना, जाओ, तुम जा सकती हो। यस यस यस, उसने हमें जाने दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
डायना, क्या पुलिसमैन ऐसे होते हैं? बहुत बढ़िया। क्यों, वो थोड़ा अच्छा है लेकिन बहुत अजीब है। देखा उसे? हाँ, और उसने तुमसे गाड़ी के पेपर्स भी नहीं मांगे। ओह, मैंने तो उनसे पेपर के बारे में पूछा ही नहीं। ओफो, ये क्या हो गया? लड़कियों, बाहर देखो, एक मम्मी अपने बच्चे के साथ बाहर कितना शानदार है ना? हमें उन्हें लिफ्ट देना चाहिए जरूर। लड़कियों, क्या तुम्हें पता है कि तुम अनजान लोगों को गाड़ी में नहीं ले सकते? लड़कियों, हम इस तरह रास्ते से डीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं लड़कियों, मुझे लगता है कि हमें उन्हें लिफ्ट देना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और वो बच्चे के साथ है। हो, आखिरकार किसी ने तो रोका। आप कहाँ जा रही हैं? मैं क्रिसमस ट्री के पास जा रही हूँ अपने बच्चे को दिखाने के लिए। डायना, हम इस रास्ते जा रहे हैं, हम डीमा को इधर देखेंगे। जल्दी करो, हम जल्दी से उसके फियांसे को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। ठीक है, मैं जल्दी करती हूँ। क्या आप तैयार हैं? चले क्या? हाँ चलो। हमें ना ही ठंड लग रही है और ना ही गर्म, हम जा रहे हैं क्रिसमस ट्री देखने। जो भी अच्छे से बर्ताव करेगा उसे मौका मिलेगा फोटो लेने का। रुको, क्योंकि मेरा चश्मा धुंधला हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। डायना, जूली, गीगी और नास्तिया किधर हैं? बताओ मुझे। उन्होंने तो छुट्टी मांगी थी, है ना? चलो चलते हैं, मैं उनकी वजह से रुकना नहीं चाहती हूँ। नहीं, सिर्फ डीमा ने छुट्टी मांगी है और किसी ने भी नहीं मांगी। उन्होंने छुट्टी मार ली है। बस हो गया, अब मैं उनको एफ दूंगी। और अब ये क्या है? डायना, डायना, आराम से, कोई रोड क्रॉस कर रहा है। ओ नहीं, हर जगह रुके तो हम डीमा तक नहीं पहुँच पाएंगे इस तरह से। रुको बच्चों, तुम रास्ता पार कर सकते हो। बच्चों ध्यान से, जल्दी मत करो, ट्रैफिक इंतजार कर रहा है। एकदम आराम से करो। ओफो डायना, ये तो हमारे ही क्लास के बच्चे हैं। ओफो लड़कियों, मैं हैरान हूँ, हम इनसे आज कैसे मिल सकते हैं? ये तो बहुत हैरानी की बात है। वैसे लड़कियों, अपना सर नीचे झुका लोगे, हमें देखने ना पाए। जल्दी करो डायना, तुम डीमा को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाओगी इस तरह से, मैं बता रही हूँ। बस करो गीगी, हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें हैं। गीगी, तुम अपना सर छुपाओ। आराम से, आराम से। बच्चों, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ? टेटियाना पेट्रोनोवा, क्या आपको पता है कि हम वो क्यों बना रहे हैं? क्या आपको पता है कार के अंदर कौन है? डायना। अरे वो तो जूली है। गीगी और नास्तिया। क्या? डायना, क्या ये भगुंडों की पार्टी है? टेटियाना पेट्रोनोवा, हेलो, हमारे पास अभी समय नहीं है, मैं आपको सब कुछ कल बताऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ। डायना जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, हम डीमा को नहीं पकड़ पाएंगे। चलो डायना, मैं तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। बच्चों मेरे पीछे आओ। डायना को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा स्कूल में। नास्ते और गिगी को भी। लड़कियों, कल टीचर हमें स्कूल में मार डालेगी, हमने ऐसा कर दिया है आज। डायना शांत हो जाओ, हमें डीमा को ढूंढना चाहिए, उनके तरफ देखना है। लड़कियों ये देखो, ये रहा डीमा। लड़कियों हम लेट हो गए, डीमा तो अकेले है अब। डीमा बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा है। लड़कियों हम लेट हो गए हैं, वो अकेला है, उसकी डेट अब खत्म हो चुकी है, देख लो उसे। कोई बात नहीं लड़कियों, मैं उसे दिखाती हूँ डेट क्या होती है। हाँ डायना, तुमने सही कहा, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। रुक जाओ डीमा, रुको तुम। डीमा, नास्तिया ने हमें बताया कि तुम आज डेट पर गए हो किसी लड़की के साथ। हाँ, कैसा रहा डेट? क्या तुम्हें बिजनेस कार्ड पसंद आया? तुमने उस लड़की को इसलिए कार्ड दिया ताकि तुम उसे फोन कर सको? डीमा, क्या तुम आवारा हो? तुम्हें पता है डीमा, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मंडे से हम कपल नहीं है, ये बात तो तय है। तुम्हें और पता है क्या, तुम्हारी वजह से हम ट्रिप नहीं जा पाए और पुलिस मैन ने भी हमें रोका और बहुत सारी तकलीफें हुई हमारी, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो गया है। बस हो गया, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। डीमा, तुम्हें पता है तुम्हें किसके साथ ब्रेकअप करना चाहिए? डायना, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ करना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोलती हैं। मैं एक लड़की से मिला था जिसने मुझे ये तोहफा दिया। क्या तुमने सुना डायना, उसने तुम्हें तोहफा दिया क्या? ये बहुत हो गया। लड़कियों तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, उसने मुझे तोहफा दिया क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था। ओ डीमा बस भी करो, अब तुमने इसके लिए ऑर्डर नहीं किया है ये तोहफा। लड़कियां तुम लोग रुको। डीमा, क्या तुमने सही में मेरे लिए तोहफा ऑर्डर किया है? हाँ डायना, हम साथ में बड़े होंगे और एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। डीमा तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? डायना ये देखो, ये मैं हूँ। डीमा। डायना ये तुम हो। डीमा ये तो बहुत प्यारा है। डायना ये हमारे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। डीमा लेकिन मैंने अभी तक तुमसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। लड़कियों देखो जरा उसे, वो कितना चालाक है, ये सच नहीं है। लड़कियों तुम देखना, डायना उसे जरूर माफ कर देगी।
हाँ ये तो पक्का है कि वो उसे माफ कर देगी और उसके साथ फिर से आ जाएगी। डायना तुम्हें क्या ये पसंद आया है? मैंने उस लड़की से उसका बिजनेस कार्ड भी ले लिया है, मैं उससे वो मंगा के रहूंगा जो तुमने अपने सपने में जी देखा। माँ ये बहुत प्यारा है, तुम बहुत अच्छे हो। जूली जूली देखो ये मैं और नास्त्या है और ये सबसे बड़ी वाली तुम और वो डायना है, वो देखो उसे कैसा लग रहा है। वैसे तो मुलायम है ये और खूबसूरत भी। लड़कियों प्लीज तुम लोग उसे मत छुओ, वो सिर्फ और सिर्फ डायना का है। बस भी करो, मेरा तोहफा मुझे दे दो। ये हाँ लो, ये भी हाँ ये लो, ये भी दे अच्छा दो। अच्छा है ये, हाँ ये बहुत अच्छा, ये रही है, मुझे ये पसंद आया। और ये रहा डीमा। हाँ ये काफी ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। चलो कार में बैठो वरना तुम 100 साल तक बस का इंतजार करते रहोगे, जल्दी अंदर आ जाओ। डायना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डीमा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ।